आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। जनपद के सभी एडीएम व एसडीएम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर एक साथ मारा छापा। 252 स्टाफ और 52 डॉक्टर पाए गए अनुपस्थित। जिलाधिकारी को प्रेषित किया गया रिपोर्ट। जिलाधिकारी ने एक दिन का वेतन काटने के साथ विभाग अध्यक्ष से स्पष्टीकरण देने के दिए निर्देश। रविवार की रात्रि में कावाबाग बाईपास रोड पर बियर शॉप पर फायर करने वाले 3 अभियुक्तों को शाहपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक मुंगेर मॉडल पिस्टल, एक एयर पिस्टल, 3 मोबाइल, एक टांगी, एक चाकू किया बरामद। एसएसपी ने किया खुलासा। अगस्त को मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में एक मंडल स्तरीय वृहद रोजगार मेले का किया जाएगा आयोजन। टाटा मोटर्स, महिंद्रा, मारुति सहित 90 से ज्यादा बड़ी कंपनियां रोजगार मेले में लेंगी भाग। सीएम योगी रोजगार मेले का करेंगे शुभारंभ। 10,000 अभ्यर्थियों को रोजगार देने का रखा गया है लक्ष्य। सीडीओ संजय कुमार मीना और जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने दी जानकारी। अपहृत व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर खोराबार पुलिस ने किया बरामद। अपहरण करने वाले 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। एक मोटरसाइकिल, एक बिना नंबर प्लेट की स्कूटी, एक कार किया बरामद। एसएसपी ने किया खुलासा। नागपंचमी के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर एवं जिला कुश्ती संघ द्वारा 2 दिवसीय कुश्ती प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विजय खिलाड़ियों को गोरखपुर केशरी, गोरखपुर कुमार, वीर अभिमन्यु से करेंगे सम्मानित। अपहरण की धमकी देकर फिरौती मांगने वाले 3 अभियुक्तों को चिलुआताल पुलिस ने किया गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त मोबाइल किया बरामद। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने किया खुलासा। ऑपरेशन मुस्कान के तहत 4 दिन से अपने परिजनों से बिछड़े 11 वर्षीय बालक को ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने उसके परिजन का पता लगाकर सकुशल किया उन्हें सुपुर्द। परिजनों के चेहरे पर लौटी मुस्कान, जताया ट्रैफिक पुलिस का आभार। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने दी जानकारी। गोरखपुर में पर्यटकों के लिए मिलेगी अब टूरिस्ट बस सेवा। बुधवार को फ्लैग ऑफ करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गोरखनाथ मंदिर, चिड़ियाघर, रामगढ़ ताल का सैर कराएगी ई टूरिस्ट बस। नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने दी जानकारी। छात्रा का पीछा कर छेड़खानी करने वाले वांछित अभियुक्त अजय भारद्वाज को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने किया खुलासा। पूर्वाई कला के संस्थापक राजीव केतन की द्वितीय पुण्यतिथि में चित्रकला प्रदर्शनी एवं संगोष्ठी का किया गया आयोजन। कहा पत्रकार, कलाकार व सरलता के संगम थे स्वर्गीय राजीव केतन। लूट की घटना में शामिल सनी बेलदार को बांसगांव थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट का मोबाइल किया बरामद, भेजा जेल। और श्रावण माह के 3rd सोमवार को शिवालयों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। जलाभिषेक करके महादेव से मनचाहा वरदान पाने के लिए श्रद्धालु करते हैं पूजा। कहा श्रावण माह में सोमवार के दिन का होता है विशेष महत्व। श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण करते हैं भगवान भोले शंकर।